की हिंदू लड़की को 35 चुपके करके मार दिया गया भाई। मोबाइल नीचे कहाँ पे भाई? पहले आप लोग अस्थिर तो हो जाए तो बोले। नीचे कर ले यार, तू ऊपर क्या कर रहा है क्या? अरे तू नीचे कर ले यार, आगे रखे तूने हाथ लगाया हुआ है। देखिए ये श्रद्धा की जो घटना घटी है, ये हजारों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है, लाखों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है भारत के अंदर। ये एक षड्यंत्र के रूप में देश के अंदर ये चल रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि मंडपों पर से भी बेटियां उठने लगी, गुरुद्वारे से बेटियां उठने लगी, और अब हिंदुस्तान में भी लाखों करोड़ों श्रद्धा की शहादत हो चुकी है। ये एक षड्यंत्र है भारत में गैर मुस्लिम लड़कियों को, हिंदू की लड़कियों को अपने फांस में जब लाना, चाहे प्यार मोहब्बत, चाहे वेशभूषा बदल करके, और फिर अगर धर्म नहीं स्वीकारा तो उसकी यही हालत होती है जो श्रद्धा की हालत हुई है। ये एक तरह से षड्यंत्र है, जघन्य अपराध है, इसे जो भी संज्ञा दें। ये भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अभी टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान बंद होगा, न इस पर लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी इस पर बोलेंगे, न राहुल गांधी बोलेंगे, न जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले ओवैसी बोलेंगे। ये देश के तमाम करोड़ों उन लोगों को सोचने का अवसर है कि देश में जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ में अब हमें सचेत और जागरूक होने की जरूरत है।